बड़े कमाल की बात कही है कि गरीब हम जन्म लेते इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर हम गरीब ही मर जाते हैं तो इसमें हमारी कमी होती है, हमारे दृढ़ संकल्प की कमी होती है, हमारी महत्वाकांक्षा की कमी होती है, हमारे हार्ड वर्क की कमी होती है, जिसके कारण हम गरीब जन्म लेते हैं और गरीब ही मर जाते हैं। दोस्तों आज की कहानी है गरीब पिता और उसके संघर्ष करती हुई बेटी की कहानी, जिसे सुनकर आपके आँख से आंसू आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बिना आपका समय गंवाए हुए आप लोग प्लीज वीडियो में बने रहिए। दोस्तों ये कहानी है गरीब बाप और उसकी बेटी की है। एक बार वो गरीब पिता अपने बेटी को लेकर स्कूल से शहर के एक महंगे होटल में गया। उस पिता ने तो फटे पुराने कपड़े पहने हुए था और बेटी स्कूल ड्रेस में थी। जब दोनों होटल के अंदर पहुंचे तो वेटर पूछा, आप क्या लेंगे सर, आप अपना ऑर्डर बता दीजिए। तब उस पिता ने अपनी बेटी के लिए एक प्लेट पाव भाजी का ऑर्डर दिया। तब वेटर ने कहा कि सर आप कुछ नहीं लेंगे, अपने लिए भी कुछ ऑर्डर बताइए। तब उस आदमी ने कहा कि मेरे लिए कुछ नहीं, आज मेरी बेटी के लिए पार्टी है, मैंने इससे वादा किया था कि अगर तुम इस जिले में 10th क्लास में टॉप करोगी तो मैं तुम्हें महंगे होटल में पार्टी दूंगा, तो आप सिर्फ बच्ची के लिए ही पाव भाजी लेकर आइए। वेटर ने जब ये बात सुनी तो दौड़कर अपने मालिक के पास गया और बोला कि सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरी सैलरी से पैसे काट लेना, लेकिन आज मैं ये चाहता हूँ कि उस बच्ची के साथ उसके पिता को भी एक प्लेट पाव भाजी खिलाया जाए, क्योंकि उस बच्ची ने पूरे जिले में 10th में टॉप किया और उसके पिता के पास पैसे नहीं है, इसीलिए वो सिर्फ बच्ची के लिए ही ऑर्डर दिया है। होटल के मालिक ने ये सारी बातें सुनी और मुस्कुराते हुए बोला कि तुम उसके पिता और पूरे परिवार के लिए पाव भाजी पैक कर दो, और सुनो 2 से 3 KG मिठाई और लेकर जाओ, और उसके कहना कि आज की पार्टी होटल के मालिक की तरफ से है, आप ये मिठाई लीजिए और खुशियाँ मनाइए। जब वेटर 2 प्लेट पाव भाजी लेकर गया तो वो आदमी एकदम से चौंक गया। उसने बोला कि मैंने तो एक ही मंगवाई थी। तब वेटर ने बोला कि प्लीज आप शर्मिंदा मत होइए, ये पार्टी होटल के मालिक के तरफ से है, आपकी बेटी हमारी बेटी है, आप ये मिठाई लीजिए और खुशियाँ मनाइए। पिता और बेटी बहुत खुश हुए और वो चले गए। कई साल बीत गए, समय आगे बढ़ते चला गया। लड़की अपने आगे की पढ़ाई के लिए शहर गई और वहाँ उसने UPSC की तैयारी की और कलेक्टर बन चुकी थी। इत्तेफाक से उसकी पहली पोस्टिंग उसी शहर में हुई। उस लड़की ने होटल में ये सूचना पहुँचा दी कि आज मैं उस होटल में लंच के लिए आ रही हूँ। होटल के मालिक ने जब ये बात सुनी तो पूरी होटल को सजवा दी। गाँव में ये बात पूरी तरह फैल गई, लोग उन्हें बधाइयाँ देने के लिए आने लगे। वो लड़की जो कलेक्टर बनी थी अपने पिता के साथ उस होटल में पहुंची। तब कलेक्टर ने होटल के मालिक से कहा कि शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, हम वही पिता और बेटी हैं जो 10th क्लास में टॉप किए थे और आपने मुझे पार्टी दी थी, आज हम फिर आए हैं और आज की पार्टी हम देंगे आपको और आपके होटल के पूरे स्टाफ को, क्योंकि आपने एक गरीब पिता का सम्मान किया था उस दिन। आपने उस दिन जो पार्टी दी थी उससे मुझे ये पता चला कि मुझे और कितनी ऊंचाई तक पहुंचना है, आपने मुझे एक नई प्रेरणा दी, आज मैं उसी प्रेरणा का एहसान चुकाने आई हूँ। तो गाइस हमें हमेशा गरीब हो या अमीर हो, जो जिसके अंदर प्रतिभा रहती है उस प्रतिभा का सम्मान करना चाहिए। ईश्वर कभी गरीब और अमीर देखकर प्रतिभा नहीं देता है, एक से एक प्रतिभा गरीब के अंदर में होती है। हमें जब भी कोई ऐसा गरीब और लाचार आदमी दिखे तो हमें अपने ही उसे हेल्प करने से पीछे नहीं हटना चाहिए और उसे सम्मान देना चाहिए। सम्मान बस इसलिए नहीं कि वो गरीब है, इसलिए कि उसके अंदर प्रतिभा है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी स्टोरी, आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही वीडियो के लिए, और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।